सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, रशियन और चाइनीज मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को उसका इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग बेचने का फैसला कर लिया है। लायोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर एक एयरक्राफ्ट कैरियर कम और एक म्यूजियम ज्यादा है, जिसे कि चाइना ने एक फ्लोटिंग कैसीनो बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन बाद में उसे ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया था। आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत नेवी में 1980s में इंडक्ट किया गया था और इसे सोवियत नेवी में 1990s में एंटर होना था, लेकिन सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद इसके अभी पूरे ना हुए स्ट्रक्चर को यूक्रेन को भेज दिया गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के हल को चाइना ने बाद में खरीद लिया था, जिसे उसने फिर से बनाकर रिकमीशन किया था। चाइनीज नेवी अपने लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करके 6 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट करना चाहती है। चाइनीज गवर्नमेंट ने 2035 तक 6 कैरियर बैटल ग्रुप्स होने के प्लान को जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन नेवी के पास विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है और वहीं इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि चाइना के पास भी नहीं है। और इसके साथ ही इंडियन नेवी को INS विक्रांत भी मिल जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की नेवी जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो इंडियन नेवी से जीत नहीं सकती। पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद कर फिर भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी अभी भी इंडियन नेवी के आसपास भी नहीं है। लायोनिंग एक 60,000 टन प्लस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अभी भी बैटल टेस्टेड नहीं है। वहीं इंडियन नेवी के पास INS विक्रमादित्य है, जो कि 40,000 टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वहीं इंडियन नेवी को INS विक्रांत भी मिलने जा रहा है, जो कि एक 45,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके बाद इंडियन नेवी एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी बनने के तरफ कदम बढ़ा देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।